जय हिंद दोस्तों, पैरा स्पेशल फोर्सेस मार्कोस गरुड़ एनर्जी घातक जैसे एलीट कमांडोज को क्रव मागा मार्शल आर्ट में ट्रेन किया जाता है। एक्चुअली ये क्रव मागा मार्शल आर्ट है क्या? क्यों इसी मार्शल आर्ट में इन सब स्पेशल फोर्सेस को ट्रेन किया जाता है? क्यों दूसरे मार्शल आर्ट जैसे कि कुंग फू, कैराटे, जूडो, ताइक्वांडो, किक बॉक्सिंग, इन सब मार्शल आर्ट में स्पेशल फोर्सेस को क्यों ट्रेन नहीं किया जाता है? इंडियन एलीट कमांडोज को हैंड टू हैंड कॉम्बैट, अनआर्म्ड कॉम्बैट के लिए क्रव मागा में ट्रेन किया जाता है। इस पूरे दुनिया में दो तरह के मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग होती है, एक होता है स्पोर्ट्स टाइप, दूसरा होता है रियल लाइफ कॉम्बैट सिचुएशनल मार्शल आर्ट। स्पोर्ट्स टाइप मार्शल आर्ट मेडल्स, बेल्ट, डिग्रीज के लिए लड़ी जाती है, जहां पर ओपोनेंट सेम वेट का होता है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ में इस तरह के फाइट्स को रिंग में जज के सामने लड़ा जाता है। रूल्स तोड़ने पर खिलाड़ी डिस्क्वालीफाई हो सकता है। इस तरह के फाइट जीतने पर मेडल्स मिलते हैं, डिग्रीज मिलती है। लेकिन रियल लाइफ कॉम्बैट सिचुएशनल मार्शल आर्ट टोटल डिफरेंट होता है। इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। आप 5'7" के 65 किलो के हो, सामने वाला 150 किलो के 6.5 फीट का भी हो सकता है, आपको उसे खत्म करना है वरना वो आपको मार देगा। सामने वाले के हाथ में वेपन्स हो सकते हैं, वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। रियल लाइफ सिचुएशनल मार्शल आर्ट में, मिलिट्री मार्शल आर्ट में, मिलिट्री ऑपरेशन में एक ही चीज चलता है, या तो जान दो या तो जान लो किसी भी प्रकार से। और क्रव मागा इसी तरह के रियलिस्टिक कॉम्बैट मार्शल आर्ट है। इस मार्शल आर्ट के मूवमेंट्स बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है, बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहना पड़ता है। एक्सट्रीम एफिशिएंसी के साथ में इस तरह के फाइट्स को लड़ा जाता है। बहुत ही ब्रूटल मार्शल आर्ट है क्रव मागा। क्रव मागा एक्चुअली एक इजरायली मार्शल आर्ट है जिसका ओरिजिन इजराइल है, और इजराइल डिफेंस फोर्सेस के लिए ही इन्हें स्पेशली बनाया गया था। और क्रव मागा की ट्रेनिंग इंडियन स्पेशल फोर्सेस को भी दिया जाता है। मार्शल आर्ट्स के मूवमेंट्स किसी भी दूसरे मार्शल आर्ट जैसे नहीं होते हैं। दूसरे मार्शल आर्ट जैसे कि जूडो, बॉक्सिंग, कराटे, रेसलिंग, इन सबको मिलाकर रियलिस्टिक सिचुएशंस के ऊपर बेस्ड करके इस मार्शल आर्ट को बनाया गया है। क्रव मागा मार्शल आर्ट को अपने स्ट्रीट फाइटिंग कैपेबिलिटीज और ब्रूटल अटैक्स के लिए ही जाना जाता है। क्रव मागा को इस पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा इफेक्टिव और प्रैक्टिकल मार्शल आर्ट माना जाता है रियल लाइफ कॉम्बैट सिचुएशंस के लिए। इजराइल में क्रव मागा की दो हिस्सों में ट्रेनिंग दी जाती है, एक होता है स्पेशल फोर्सेस के लिए, दूसरा होता है सिविलियंस के लिए। स्पेशल फोर्सेस के लिए क्रव मागा की जो ट्रेनिंग है वो टोटली डिफरेंट है इजराइल में भी और इंडिया में भी। एलीट स्पेशल फोर्सेस कमांडोज के क्रव मागा फाइटिंग में कुछ रूल्स होते हैं, मैं आपको 5 रूल बताता हूँ, बहुत ही शॉर्ट में बताता हूँ। क्रव मागा का पहला स्टेप है फिजिकल एग्रेशन को डेवलप करना, फिजिकल एग्रेशन से सामने वाले को कमजोर कर देना। फाइटिंग के दौरान जब एक फिजिकल एग्रेशन होगा तब सामने वाला ऑटोमेटिकली कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा इन जनरली। दूसरा रूल है कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप अटैक, सामने वाले को तब तक मारते रहो जब तक उसका मनोबल टूट ना जाए, वो आपके ऊपर सरेंडर ना कर दे। और सामने वाले को मारना शुरू करने के बाद रुकना नहीं है, उसे चांस नहीं देना है। रूल नंबर 3, अगर लगता है कि सामने वाला अटैक करेगा तो सबसे पहले आप अटैक कर दो, इसका इम्पैक्ट बहुत जोरों से पड़ता है। मिलिट्री कॉम्बैट सिचुएशंस में 4th रूल, यूज एनी वेपन, चाहे वो चाकू हो चाहे वो पत्थर हो, कोई भी उठा लो, उसे वेपन की तरह इस्तेमाल करो। 5th रूल, शरीर के टारगेटिंग पॉइंट्स पर हिट करो, जैसे कि आईज, नेक, फेस, रिब्स, लिवर, फिंगर, इस तरह के वीक पॉइंट्स पर आपको हिट करना है। स्पेशल फोर्सेस क्रव मागा की ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि इंसानी शरीर में 52 ऐसे वीक पॉइंट्स है जहां मारने से इंसान का मौत तक हो सकता है। उन सब वीक पॉइंट्स को स्पेशल फोर्सेस में ही सिर्फ सिखाया जाता है, और इन सारे चीजों को प्रैक्टिस करने के बाद एक मसल मेमोरी बिल्ड करना होता है, तभी आप बन पाएंगे क्रव मागा फाइटर या फिर कॉम्बैट स्पेशल फोर्स ऑपरेटर। इंडियन फोर्सेस में पैरा स्पेशल फोर्सेस घातक कमांडो, गरुड़ कमांडो, मार्कोस कमांडो, एनएसजी कमांडो, सभी को इसी मार्शल आर्ट में ट्रेन किया जाता है, क्योंकि ऑपरेशन में सामने वाले दुश्मन कमांडो से लंबा चौड़ा भी हो सकता है, उसके पास में हथियार भी हो सकता है, वो एक से ज्यादा भी हो सकता है, कमांडो को फिर भी उसे मारना है, खत्म करना है, क्योंकि कॉम्बैट ऑपरेशन में एक ही रूल है, या तो मरो या तो मारो। और इसी रियल लाइफ सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है क्रव मागा मार्शल आर्ट को। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पर आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं उसका आंसर अपने दायरे में रहकर जरूर करूंगा। मिलता आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।